जुलाई का महीना खत्म होने को आया है, बट अभी हमारे बंगाल में मॉनसून हैजंट अराइव्ड यट। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी टाइम है ऑलमोस्ट 8:30 AM और आज है मेरा लेग डे। मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए, बेसिकली आप लोगों का एक सजेशन चाहिए। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि एक मोबाइल गिम्बल खरीदूं, क्योंकि मैं जो फोन यूज करता हूँ रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, उसका वीडियो स्टेबिलिटी बहुत ही खराब हो रहा है। कुछ महीनों पहले एक बार अपडेट हुआ था, उसके बाद से वीडियो स्टेबिलिटी पूरा बिगड़ गया। आपने पहला वाला शॉट देखा होगा, उसमें कैसे शेक कर रहा है। इसलिए एक मोबाइल गिम्बल खरीदना इज प्रीटी नेसेसरी टू मी। आई सर्च फॉर मोबाइल गिम्बल्स ऑन Amazon, वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल गिम्बल्स अवेलेबल है एंड उनका रिव्यूज भी बहुत ही अच्छे है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, Amazon में आजकल फेक रिव्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो व्लॉगिंग करता है, मोबाइल गिम्बल यूज़ करता है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि एक बजट फ्रेंडली मोबाइल गिम्बल कौन सा होगा। फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब जब से मैंने अपना कंपटीशन प्रेप स्टार्ट किया था, तब से आई हैव स्टॉप ट्रेनिंग माई लेग्स टिल मार्च, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने सोचा था कि मैं मेन्स फिजिक में कम्पीट करने वाला हूँ, इसलिए मुझे लेग्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड। मिड अप्रैल से, मतलब कंपटीशन सीजन खत्म होने के बाद, मैंने जब फिर से लेग्स ट्रेन करना स्टार्ट किया, तब मैंने ये नोटिस किया कि द स्ट्रेंथ ऑफ माय लेग्स हैज कंसिडरेबली ड्रॉप्ड, व्हिच इज प्रीटी ऑब्वियस। अभी मेरा प्राइम फोकस है अपने लेग्स के लॉस्ट स्ट्रेंथ को रीगेन करना, और इसलिए मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो कर रहा हूँ। पिछले 3 हफ्तों से मैंने एक गोल सेट किया है कि मैं 4 सेट्स लगाता हूँ स्क्वाट्स के। सो स्क्वाट्स के लास्ट सेट में मैं 85 kg से, मतलब विदाउट द बाबल 85 kg वेट से 10 रेप्स परफॉर्म करूंगा। फर्स्ट वीक मैं 85 kg से परफॉर्म कर पाया था ओनली 7 रेप्स एंड सेकेंड वीक को मैंने लगाया था 8 रेप्स। आज 3rd week है एंड आई होप कि आज मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, मतलब 10 रेप्स ऑफ स्क्वाट्स मैं परफॉर्म कर पाऊंगा 85 kg से। और अगर आज मैंने ये कर लिया तो नेक्स्ट वीक मैं स्क्वाट्स के वेट को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, 85 kg से 10 रेप्स ऑफ स्क्वाट्स परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बॉडी वेट के या फिर मुझसे लो बॉडी वेट के बंदे भी आराम से परफॉर्म करते होंगे, आई नो दैट। बट अभी मेरा कंपटीशन कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद हूँ, और मुझे अपने वीक पॉइंट्स को सुधारना है, उनमें काम करना है जो मैं कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अपना प्री वर्कआउट मील लूंगा और उसके बाद आई विल हिट द जिम।
उसके बाद मैं जब इसे रैप कर रहा था तो ये साइड मैंने लॉक नहीं किया था, तो पूरा वेट आकर गिर गया था। मुझे थोड़ा सा चोट भी लगा था, इंजरी हुआ था एक माइनर सा। उसके बाद से ना मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं जब भी लेग प्रेस परफॉर्म करता था यहाँ पे सपोर्ट लेता था, मुझे लगता था कि मैं अगर सपोर्ट नहीं लूँगा तो वेट फिर से गिर जाएगा। तो वो डर ना मैं इस फेज में थोड़ा थोड़ा करके घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने 3 सेट परफॉर्म किया, आपको 2 ही सेट दिखाया, तो 3 सेट मैंने परफॉर्म किया, सॉरी 3 सेट परफॉर्म किया। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं लूँगा, मैं अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ, अंदर का जो डर है ना उसे मिटा रहा हूँ। तो गाइज आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अभी 3 दिनों तक लेग्स मसल में सोनेस रहेगा। मेरा मेन फोकस है अभी मसल स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन में, ईच एंड एवरी रेप मैं फुल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच के साथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी अ लॉट मोर वे टू गो। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो कमेंट और शेयर करना, और नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी, टिल देन टेक केयर ऑल।